दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि पूरे 100 वर्षों के बाद कल के दिन यानी कि 11 नवंबर के दिन सोमवार को बन रहा है काल सर्प योग। ये 6 राशियां होंगी। करोड़पति, जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अचानक चमक उठेगा इन 6 राशि वालों का भाग्य। और अब इन 6 राशि वालों को मिलेंगी अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ जी अब 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे कि अब इन 6 राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब इन 6 राशि वालों के जीवन में कोई भी दुख और कोई भी संकट नहीं रहने वाला, जिससे कि अब इन 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर ये 6 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जिनका भाग्य भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चमकने वाला है और इन 6 राशि वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें और बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त द प्राचीन जानकारी चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का काफी महत्व होता है। जी हां दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है, वहीं अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ को इस पूरी सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, यानी धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी का स्थान बेहद ऊंचा है। हालांकि भगवान भोलेनाथ स्वभाव से जितने भोले माने जाते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें क्रोध भी आता है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान भोलेनाथ जी को खुश करना बेहद आसान है। जी हां दोस्तों, जिस व्यक्ति पर एक बार भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हो जाए, यकीनन उसका अच्छा समय आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज हम आपको ऐसी 6 राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा होने वाली है, यानी कि अगर हम साफ शब्दों में कहें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन 6 राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इन 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहली राशि आती है वो राशि है मेष। राशि मेष राशि वालों को बता दें, भगवान भोलेनाथ जी की आशीर्वाद से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मेष राशि वालों, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से इन राशि वालों की आय के साधनों में वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी, सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, अचानक से लाभ प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णतः पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है तुला राशि वालों। आपको बता दें
कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं थीं, वे अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली हैं। कन्या राशि के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी होने वाली है। बिजनेस करने वाले लोगों को अब अपने बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहेगी। और आपको बता दें कि कन्या राशि वाले लोगों, अब आपको वह सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ वृषभ राशि वाले लोगों के ऊपर अब बेहद प्रसन्न रहने वाले हैं, जिसके कारण वृषभ राशि वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलने के बहुत सारे अवसर अब प्राप्त होने वाले हैं। बस आप इन अवसरों को अपने हाथ से न जाने दें। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले लोगों, आप जल्द से जल्द नया वाहन आप खरीद सकते हैं। आपको अपने जीवन में अनेकों बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन से धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वे अब बहुत जल्द दूर होने वाली है। जी हां दोस्तों, स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके समस्त कष्ट दूर करने वाले हैं। प्रेम करने वाले लोगों को उनकी प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी और आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इस समय का आप लोग भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके लिए बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और आपको अपने जीवन में अब बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। आर्थिक रूप से आप खुश रहेंगे। साथ ही साथ परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेंगे जो परिवार के सदस्यों को आपके और करीब लाएगा। उनकी नजरों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सभी बिगड़े हुए काम आपके समय पर बनने लगेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास के साथ आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वो सपना भी इनका जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन में आने वाली है खुशियां ही खुशियां, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है तुला राशि। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा तुला राशि वाले लोगों पर अब बहुत अधिक बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला समय काफी ज्यादा बेहतरीन समय होगा। यह जो समय रहेगा वह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे कि आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा, बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको ऐसे अवसर भी मिलने वाले हैं जिससे कि आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जहां एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल आपके लिए बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भी योग्य रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनेगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि तुला राशि वाले जो छात्र है, आप अपना जीवन में बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे और आप लोगों को परीक्षा में सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। बस आप लोग मन लगाकर मेहनत अवश्य करें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है मिथुन राशि। दोस्तों, मिथुन राशि वालों को बता दें, धन की देवी भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से ही आपके जीवन में आने वाले धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में चारों तरफ से अब पैसों का आगमन होगा, आय के नए स्रोत भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा।
नौकरी पेशा लोगों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। व्यापार में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। वास्तविक धन लाभ मिथुन राशि वालों आपको हो सकता है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बन रही है। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है कुंभ राशि। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोगों को हम बता दें कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा अब आपके ऊपर बन रही है, जिससे कुंभ राशि वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला है, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको बता दें कि आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अनेक प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, आप लोगों को कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी मिलने के पूरे पूरे योग हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अब अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको सभी सफलताएं प्राप्त होंगी, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे और आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुंभ राशि वाले लोग आपके जीवन में अब खुश हैं, क्योंकि आप लोगों के पालनहार भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको धन संबंधित सभी मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी। धन प्राप्ति के आपके लिए अनेक सारे योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को नौकरी में प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि के भी योग अब बन रही है, जिससे कि कुंभ राशि वाले लोगों आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। परिवार में आपके खुशनुमा वातावरण रहेगा और साथ ही साथ संतान प्राप्ति का भी सुख आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है, जिससे कि घर परिवार में खुशियों का वातावरण आपके लिए रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मीन राशि। मीन राशि को वालों को बता दें, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। नौकरी की दिशा में चल रहा प्रयास जल्द सफल हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाभ प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। जीवन साथी की तरफ से खुशखबरी आपको मिलने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस राशि के लोगों को व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही साथ मीन राशि वालों को सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि के जो लोग विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की भी संभावना बन रही है। इसके साथ ही आपके द्वारा किए गए प्रयास आपकी सभी मुश्किलों का समाधान होगा। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मीन राशि वालों आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने को लेकर सपना देख रहे हैं वो सपना इनका जल्द ही अब पूरा हो सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो वह योजना इनकी अवश्य सफल होगी। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जिससे आपके घर परिवार में होगी अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे मीन राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द प्राचीन जानकारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति के योग है, नौकरी प्राप्ति के भी योग हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छे योग हैं। आपके लिए मनचाहा आपको प्यार मिलेगा। इस समय प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपका बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। इस समय नए अवसर की तलाश करेंगे तो आपको नए अवसर भी प्राप्त होंगे। रोजगार प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके जो भी कार्य रुके हुए थे वे कार्य सफलता पूर्वक समय पर पूरे हो जाएंगे। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन प्राप्ति की संभावना है। प्रॉपर्टी संबंधित ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
जो भी इन्वेस्ट करेंगे आप मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। इस समय बहुत ही अच्छा समय है, ये राशि वाले समय का भरपूर लाभ उठाएं दोस्तों। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कर्क राशि। कर्क राशि वालों आपको बता दें कि आप लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपको विदेश यात्रा करने का भी अब मौका मिल सकता है। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में जूझ रहे हैं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में अब लगने लगेगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको हो सकती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी कार्य को लेकर की गई यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल साबित होगी। आपको परिवार में खुशियों का माहौल अब देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्क राशि वाले लोगों को धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब खत्म होने वाली है और आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कर्क राशि वाले लोगों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है वृषभ राशि वालों को बताना चाहेंगे कि वृषभ राशि वाले लोगों को हम बता दें कि भगवान भोलेनाथ वृषभ राशि वाले लोगों के ऊपर अब बेहद प्रसन्न चित रहने वाले हैं, जिसके कारण इस राशि वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आप इन अवसरों को अपने हाथ से न जाने दें। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले लोगों, आपको जल्द से जल्द नया वाहन या मकान आप खरीद सकते हैं। आपको अपनी जीवन में अनेक बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन से धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे अब बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, अब स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके समस्त कष्ट दूर करने वाले हैं। प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी और आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इस समय वृषभ राशि वाले लोग भरपूर लाभ उठाएं दोस्तों। ये थी वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जिसको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब वो बहुत बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं। यूं कहे कि ये राशि वाले मालामाल होने वाले हैं। इनको अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अवश्य ही प्राप्त होने वाली हैं।